तो हेलो दोस्तों, आज हम निकले थे स्टेडियम में सुबह डेली की तरह, लेकिन आज का माहौल थोड़ा भीड़ भाड़ हम देखते हुए हम स्टेडियम नहीं गए और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम उसकी तरफ ही डाइवर्ट हो गए। अभी हम आए हैं अपने पानीपत के नहर पे, नहर की साइड। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छठ मैया का आज जो पूजा की जा रही है, जो जितने भी हमारे बिहार, यूपी, मेरठ या गाजियाबाद जो भी है, इस साइड के जितने भी लोग हैं, ये सारे अपनी यहाँ पे पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हम इनको देखने के आए हुए थे। यहाँ पे भीड़ इस तरीके से है जैसे हमारे दशहरे ग्राउंड में होती है, या उससे भी कुछ ज़्यादा है। एक वीडियो के थ्रू आपको सारा भीड़ जो भी है, घाट वगैरह ना, सब दिखाएंगे आपको, सब दिखाने की मिन सम सब का और अब करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा एक खास मित्र भी है, एक सुशील उससे भी मिलवाएंगे, वो आपको ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे। हमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए यही हुई कि सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा एक दोस्त ही मिल गया, और हम एटलीस्ट, हमें देखो इतना नॉलेज नहीं है कि छठ मैया क्यों मनाई जाती है, क्या इसका पर्पज है, क्या नहीं है। हम सबसे पहले उसी से बात करते हैं और उससे बात करने के बाद आपको एक प्रॉपर रिव्यू दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। जो हमें यहाँ पे ना, ये सबसे पहले यहाँ लंगर चला हुआ था, तो हमें पता था हमें ये हमारा दोस्त यहीं मिलेगा, तो हमने इसको लंगर में पकड़ लिया है। अब इसके बाद इसकी बात करेंगे। हेलो गाइस, जैसा कि अजय भाई ने बताया, यहाँ पे भीड़ का माहौल है और आज छठ पूजा है जैसे, तो भीड़ जाहिर बात है भीड़ होगी, और इतने सारे लोग आए हुए यहाँ, सबकी अपनी भी श्रद्धा है, यूपी से, बिहार से, मेरठ से, एमपी से, सभी लोग मनाते हैं इसको, और ये स्पेशली सूरज भगवान के लिए है। और आप सभी को अभी वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ और श्रद्धा कितनी है लोगों में आके, और हर जगह मनाई जाती है ये, और अपनी अपनी श्रद्धा की बात है जैसे, तो आप लोगों को अजय भाई, आजकल तो शायद कुछ लोकल लोग भी बनाने लगे हैं। हाँ हाँ, श्रद्धा की बात है, स्पेशली मैरिड पीपल मनाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ उस यूपी साइड के लोग मना रहे हैं, तो आप सभी को तो आज इसमें सुशील, वो क्या होता है कि जब हम पानी में खड़े होते हैं या कुछ है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? तो ये स्पेशली औरतें जो व्रत होती हैं, वो 3 दिन व्रत रखती हैं, और लास्ट आज जैसे लास्ट दिन सुबह वो पानी में खड़े होते हैं जब तक सूरज देवता की दर्शन ना कर लें वो। तो आप सभी को फुल वीडियो दिखाएंगे अभी, और अजय भाई तो का चैनल, वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए ना, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अभी आपको हम उधर कन्वर्ट करते हैं। अब इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, प्रॉपर टेंट वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, एंड भीड़ को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है ताकि कोई किसी प्रकार की हरकत ना करें। एंड आप ये देख सकते हैं कि इनके द्वारा लगाए गए पंडाल वगैरह कैसे हैं, प्रॉपर इन्होंने मींस प्रॉपर एक जो कमेटी होती है उसके द्वारा सब कुछ किया गया है, जो काफ़ी मैनेजेबल है प्रॉपर। एंड अभी हम यहाँ से घाट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे श्रद्धालु नहर में खड़े हैं, मींस पानी में अपने खड़े हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, और जब तक सूर्य नहीं निकलता वो तब तक खड़े रहते हैं, ऐसा ही मानना है और ऐसा ही होता भी है। तो अभी आप देखेंगे, हम ट्राई करेंगे कुछ लोगों को आपको दिखाने की, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता होता है लेकिन वो कभी देख नहीं पाते। तो आप अभी देख सकते हैं कि श्रद्धालु कैसे यहाँ पे पानी में होते हैं अपने परिवार के साथ, और ये सब अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए खड़े होते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको, एंड पूरी भीड़ है प्रॉपर। अभी हम जूम आउट करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो सुशील है एटलीस्ट उसके परिवार को दिखाया जाए। तो अभी हम जिन पे फोकस करेंगे वो भाई सुशील और उनकी फैमिली है। वन सेकेंड, ये वाइट शर्ट में इनके पिताजी, एंड ये इनके जो पीछे ग्रे में हैं ये इनकी माताजी हैं, और बाकी आजू बाजू जो खड़े हैं वो सब इनके घर वाले हैं। एंड इसके साथ ही अब और फैमिलीज़ को भी दिखाएंगे जो यहाँ पे है। यहाँ पे ना इतना मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउड है, और अभी तो एटलीस्ट 25% लोग ऐसे होंगे जो कि अभी अपने घर पे हैं, लाइक कोई ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं या कोई बूढ़े हैं, या फिर 1% पर फैमिली पीछे रुका हुआ है कि घर में एटलीस्ट कोई ना कोई होना चाहिए, अदरवाइज ये भीड़ और भी ज़्यादा होती। एंड इस बार की जो खास बात है, यहाँ पे बच्चों के लिए झूलों वगैरह का भी पूरा खास ध्यान रखा गया है। अभी देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे कमेटी के द्वारा भंडारा भी आयोजित किया गया है,
आप देख सकते हैं प्रॉपर, बिल्कुल मींस पहले में और अब में ना बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। अब बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसको सेटअप किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे है, खाने का पीने का कुछ, कई जगह चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के लगे हुए हैं, बच्चों के लिए खिलौने झूले सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अभी हम नहर के दूसरे छोर पे जा रहे हैं जहाँ पे और बंदे हैं, और ये नहर की दूसरी साइड है जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी इकट्ठे हुए हैं। ये सारा है इंटरकनेक्टेड, कुछ लोग उधर है कुछ इधर है, ये सारा भीड़ को कवर अप करने के लिए किया गया है। सब लोग यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और इस तरीके से मैं एक जगह जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से ये खड़े होके मन्नत मांगते हैं या कुछ है वो सारा दिखेगा। अब जैसे कि ये कोई आंटी खड़ी हैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर, ये खड़े रहते हैं पानी में, अब ये अंकल खड़े हैं इस तरीके से, काफ़ी जो कुछ लोग बाहर खड़े हैं उनके फैमिली वाले, क्योंकि फैमिली में से कोई एक मेन बंदा, कोई घर की लेडीज या जेंट्स होता है जो व्रत रखे हुए हैं। और यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बैरिगेड्स लगाए हुए हैं, प्रॉपर सुविधा की हुई है, भारी वाहन जितने भी है मींस 4 व्हीकल जितने भी है उसको ना इधर आने जाने दे रहे हैं ना उधर जाने दे रहे हैं, एंड ओनली बाइक्स के लिए ये ओपन किया गया है। और अभी हम प्रॉपर एक ऊपर रिवर के ऊपर से हम व्यू दिखा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सारा कैसे माहौल दिख रहा है, इस तरीके से भीड़ लगी है। ये नहर आगे तक काफ़ी कंटिन्यू गई है, जब हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं जिस साइड, ये उसके अपोजिट साइड का व्यू है सारा। यहाँ पे टोटल मीन्स 3 नहरें हैं, ये जो सबसे छोटे वाली है इसमें पानी इसीलिए कम किया जाता है ताकि लोग मतलब किसी तरीके का उनके साथ हादसा ना हो, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ईजिली पूजा वगैरह सब कुछ कर सके। और अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और वापस जाते जाते आपको दिखाते हैं कि जो जिन व्हीकल्स पे सब आए थे वो सारे, जो ये रेलवे फाटक है इसे सब उस साइड खड़ा किया गया है ताकि भीड़ का माहौल बहुत ज़्यादा ना हो। और जितने भी इनके व्हीकल्स, अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये रेलवे फाटक है, ये जो जितने भी श्रद्धालु वो उस साइड है नहर की साइड, और ये बाकी सब साधन वगैरह सब इधर खड़े गए हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भाई छोटे को हाई करें।